ये है वो मकान जिसमें कल से एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें एक जो जंगजू है वो जहाँबाक हुआ है, जिसके कब्जे से भी एक AK-47 और RPG भी कब्जे से लिया गया है। यहाँ पर इस मकान में देख सकते हैं कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग है ये मकान, ये बिल्डिंग है और ये कहते हैं कि एक गोडाउन है, और यहाँ पर भी कुछ गोला गिरा है, यहाँ पर गोलियाँ लगी है, हर तरफ गोलियाँ लगी है, और यहाँ पर भी गोलियाँ लगी है, और यहाँ पर भी एक गोला है, और यहाँ पर भी बहुत नुकसान पहुँचा है इस बिल्डिंग को। और जो एक जंगजू जो यहाँ है वो पाकिस्तान का, तो ये एनकाउंटर कल से चल रहा था, जिसमें पुलिस के मुताबिक एक जंगजू निकालने में कामयाब हुआ है और एक वहाँ ट्रैप हुआ है, जिन्होंने कल एक BSF कॉलोनी पर हमला किया था। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से ये हथियार मिले हैं, क्योंकि पहली बार आप देख सकते हैं पिछले 20 सालों में पुलिस ने दावा किया है कि किसी भी जंगजू से ये हथियार बरामद हुए। RPG बहुत डेडली वेपन है, इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ये पुलिस ही बता सकती है। और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, ये आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है कि कैसे कितना नुकसान हुआ है और कितनी देर तक ये एनकाउंटर रहा इस मजबूत बिल्डिंग की वजह से। और यहाँ पर एक जान भी एक जंगजू भी जहाँ पर हुआ, और दो हिंदुस्तानी फौजी भी जख्मी हुए हैं और दो सिविलियन भी इस लड़ाई में जख्मी हुए हैं। बहरहाल अब एक की लाश मिल गई है, एक फरार हो गया है, और जो है जो हाईवे बंद था वो भी अब वहाँ पर रेस्टोर, ट्रैफिक हो चुका है। अभी तक अपडेट यही था।